अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एहसन बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिलाल ऑफिशियल। आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो लीबर मार्केट के कानून में तेज़ी से तब्दीलियां जो आ रही हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि जो नई वीडियो आ सके वो आप तक पहुंच सके। कोरोना वायरस की वजह से आयात पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म की जा रही हैं, नए वीज़ों पर लोग आ भी रहे हैं। जैसा कि साहब का सवाल के जवाब में कहा गया था कि मुमलिकत आने के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट इंतहाई अहम है, इसका हर सूरत में ख्याल रखा जाए। मुमलिकत में सफ़र करने के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट हर सूरत में लाजम है। अगर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप इस सफ़र नहीं कर सकते। जहाँ तक वीज़ों के अजरा के बारे में है तो याद रहे कि सऊदी अरब में लीबर मार्केट के कानून में तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। नए कानून का इतलाक 2021 से होगा, मार्च 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा होंगी। नए वीज़ों पर आने वाले कुछ इंतज़ार कर लें क्योंकि कानून में होने वाली तब्दीलियाँ, क्योंकि जो भी कानून में तब्दीलियां हो रही हैं उनकी वजह से बहुत सी कंपनियों ने अभी तक अपने वीज़ों का अजरा स्टार्ट नहीं किया, या कुछ ने स्टार्ट कर दिया और कुछ ने आर्जी तौर पर रोका हुआ है। जैसे ही कोई नए कानून के निकात जारी होंगे सूरत हाल वाजिया बता दी जाएगी। और दूसरे नंबर पर सवाल था दोस्त का कि मेरा कफील बहुत तंग कर रहा है, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इसका यह है कि सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले कानून निकाला था कि आप अपने मौजूदा कफील के वीज़े पर ही मुमलिकत आएँ या तनाजर लेकर यहाँ काम शुरू करते हैं। अगर आप इस अमर का साबित कर सकें कि आपको 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली तो बराह रास्त लीबर ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी और आपका जो कफील है वो आपको पैसे वापस देगा, आपकी तनख्वाह देगा। तो वो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा